हाँ प्रणाम दादाजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ हम झारखंड के चतरा जिला से रंजन गुप्ता बोल रहे थे। बोलिए भैया। हाँ ये बोल रहे दादाजी, और हम लोग का क्या हो रहा है जीडीएस का आगे, कमलेश चंद्रा कमेटी वाला जो कुछ बचा हुआ था। अरे भैया सारे तो 12, 24, 36, 16 तैयार है। अच्छा अच्छा, वो खाली आपका उस चुनाव के लिए रुक गया है। अच्छा 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 अच्छा, तो पांच स्टेट का चुनाव है ना। जी 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 जी, वो 2-5 के बाद ही 12, 24, 36 निकल जाएगा। अच्छा, तो उसमें 36-16 शायद दादाजी हटा दिया गया ना, 12-24 सिर्फ लागू किया जा रहा है। नहीं नहीं, 36 भी होगा। 36 भी होगा। अच्छा, जो झूठ मूठ बोल रहा है उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है। जी जी, सर्कुलर भेजा था विभाग। जी जी, कितना आदमी 12 में, कितना आदमी 24 में, कितना आदमी 36 में। जी जी जी, सारे रिपोर्टिंग उधर पहुंच गया, खाली 3 सर्कल का वो भी तुरंत जमा हो गया। अच्छा, और 180 दिन वाला जो ईएल था दादाजी, और 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस वाला, वो भी डीओपीटी को भेजा गया, वो अभी प्रोसेस में है। अच्छा अच्छा, तो 12, 24, 36 तैयार हो गया, वो अभी तैयार नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में है। अच्छा अच्छा, तीसरा है बॉन्ड वाला, हमने जो जबरदस्त किया है बॉन्ड के बारे में, मुझे लगता है अभी फाइनल मत सोचिए, अभी वो लगता मुझे आपका पैसा रिटर्न होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि गलत है, हमने बोल दिया, हमने लॉज में नहीं है, मेरिट में मेरा नियुक्ति होता, ऑनलाइन मेरा एप्लीकेशन होता, डीए टीए डीए इंक्रीमेंट बोनस सेम मिलता है। जी जी जी, मेरा बॉन्ड क्यों है। जी जी जी, और लिखित रूप से विभाग मुझे 26 फरवरी को दिया है, जो अंडर प्रोसेस। जी जी, एक कंसीडर हो रहा है अंडर प्रोसेस। जी 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 जी, और शायद दादाजी इधर 25 अप्रैल को शायद डीओपी के साथ मीटिंग भी आप लोगों का। अप्रैल क्या, मेरा साथ तो 7-8, 2 दिन के लिए मिनिस्टर का साथ मीटिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें दादाजी आखिर जीडीएस के लिए, हम लोग के लिए आपके तरफ से क्या एजेंडा रहेगा दादाजी, मुख्य रूप से डिमांड आपका। मेरा 3 एजेंडा है। जी, नंबर 1 हमने स्टेटमेंट दे चुका है। जी जी, किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट का साथ हम कोई नेगोशिएशन में नहीं जाऊंगा, जरूरत पड़े तो 24 दिन से ज्यादा स्ट्राइक में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, रूल 3 हटाओ, जीडीएस को गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल दादाजी, जब 370 हट सकता है जम्मू से, तो रूल 3 क्यों नहीं हट सकता है। बिल्कुल सही, नंबर 1। नंबर 2 होता है, मुझे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जी, वृद्धावस्था पेंशन दो विथ एडमिसेबल डीए। जी जी, 3 नंबर 1-1-20 है, जब तुम आज तक मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना है। जी जी जी, तो इंडिया गवर्नमेंट तुम मेरा डीए क्यों रुक के रखा है, तुरंत मुझे एरिया समेत पेमेंट करो। जी जी जी, ये 3 मुद्दा लेके हम मीटिंग में जाऊंगा, नहीं तो ये 3 मुद्दा के बाहर कोई एजेंडा रहेगा आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने साफ सुथरा बोल दिया आपको, मुझे लगता है मेरा स्टेटमेंट पहुंच गया होगा। जी जी दादाजी, तो 7-8 अप्रैल को है दादाजी। नहीं, 7-8, 2 दिन। हाँ हाँ, आज तो हो गया, आज 2 अप्रैल है। हाँ, आज 2 अप्रैल 7-8 को। जी, संतोष जी रहेंगे, हम रहेंगे। जी 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 दादाजी, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल को रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संतोष सर काफी एक्टिव हैं जीडीएस के लिए, बहुत उनमें त्याग भी है और बहुत कर भी रहे हैं जो भी हैं, ये तो आप लोग का ध्यान उन्होंने देता ना। जी जी हाँ, वो तो है बात दादाजी। मैं हमने सारे जनरल सेक्रेटरी को निवेदन किया। जी जी जी, महादेव भैया, पांडु रंगाराव, मुरलीधरन, हमने बोला भैया पैसा कमाने का दुकान 3 महीना रुक के रखो। बिल्कुल बिल्कुल सही दादाजी, जीडीएस को बचाओ, उसके बाद तुम पैसा कमाओ, मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चीज बोला, एक बार महादेव भैया जी को फोन पर बोले थे पर फोन काट दिए थे। नहीं नहीं, वो बोला दादा क्या हम पैसा कमा रहे, हम देखते भैया तुम एक डीएम की है। जी जी जी, तुम्हारा इतना हाई स्टेटस कहाँ से आ गया। जी 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल, जीडीएस से मेरा 4 लाख लोन क्यों है। बिल्कुल 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 दादाजी, अरे आज तो एक 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 जीडीएस मेरा भाई बहन बोल नहीं सकता है, हम किसी को बोला है मुझे 10 रुपया दो। जी 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 जी,
हमने 7000 बोनस किया तो एक तीनों इंजाम क्या बोला था सुगंध मिश्र का पास खुलिया झूला लेके जाओ पैसा दे रहा है जिसका वेतन 7000 नहीं है उसको 7000 को भी नहीं मिलेगा वो दिलाया हमने जी 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 3% इंक्रीमेंट दिलाया जी 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 बोनस दिए 6 महीना आपका मैटरनिटी लीव इमरजेंसी 5 दिन 15 दिन ईएल होने जा रहा है कराऊंगा कि एट एनी कॉस्ट आप निश्चित रहिएगा जी जी दादाजी चलिए आप ही तो है एक जीडीएस का दादाजी रीढ़ जो कि जीडीएस मेरा रिटायरमेंट के बाद जीडीएस के लिए रोने वाला कोई नहीं रहेगा बिल्कुल हम लोग खुद सोचते हैं कभी कभी चर्चा आपस में करते भी हैं बिल्कुल कुछ भी हम जीडीएस को आजाद करके जाऊंगा बिल्कुल दादाजी आपका मेरा पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाएगा उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपसे तो मिल जैसे अयोध्या में मिले थे तो हमको लगा था और फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे दादाजी हो सकता है बंगाल आना है जहाँ भी या दिल्ली में मिलेंगे बंगाल आइएगा तो जरूर मुझे फोन कीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल बंगाल जी जी बंगाल आना है दादाजी मैं पहले फोन कर लूंगा आपको उसके बाद ही आऊंगा और फिर आपसे मुलाकात करूंगा ठीक है गुड नाइट दादाजी गुड नाइट गुड नाइट